अभी इसको एक तरफ से और एक तरफ इसको फ्राई करने के लिए एक तरफ पूरा फ्राई हो चुका है और एक तरफ आधा फ्राई हुआ है, इसीलिए इसको थोड़ा घुमा फिरा के अच्छी तरह फ्राई करना है। मछली भी छोटा था इसीलिए पीस भी छोटा छोटा हो गया। ये इसको वापस और एक साइड फ्राई होने के लिए अभी अभी मैं ठीक ठाक करके दिया है। आप लोग देखते रहिए ये फ्राई होते जा रहा है। ये देखिए पूरा फ्राई हो चुका है मछली। पूरा फ्राई हो गया। ये देखिए प्याज डाला जा रहा है अभी। ये सूखा मिर्च, ये एक तेज पत्ता, इसको मैं दो पीस करके दे रहा हूँ। दो पीस इसीलिए कि इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। और फ्रेंड्स ये देखिए आज का जो मछली का रेसिपी है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं बना रहा हूँ। आलू है, बैंगन है, सीम है, इसमें टर्निप है जो ओल्ड करी, और साथ ही टमाटर है। ये देखिए इसका इस सब्जी की ज़्यादा स्वाद के लिए ये करी पत्ता, ये भी मैं ऐड किया हूँ। ये हरी मिर्च, अब देखिए नमक स्वाद का हिसाब से जितना चाहिए, मुझे लगता है और थोड़ा चाहिए नमक। ये देखिए हल्दी, ये देखिए शिमला मिर्च हो रहा था, ये देखिए क्यूमिन जो कि जीरा का गुड़ा है, अभी इसको अच्छा से फर्श तैयार करना चाहिए। तैयार करते वक्त इसको कोई कपड़ा वगैरह से जो कढ़ाई है इसको थोड़ा पकड़ लेना चाहिए क्योंकि सब्जी ज़्यादा है कढ़ाई काफ़ी बड़ा भी नहीं है, मीडियम कढ़ाई है तो पकड़ लेना ठीक है।
इसका स्मेल तो अच्छा आ रहा है। अभी इसका मिक्स किया जा रहा है। इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा ढक्कन मार के इसको ढका जाएगा। तो ये गमला है, इस बाउल से इसको ढक दिया। थोड़ी टाइम इसको अभी ऐसा ही रहना है, इसका बाद में देखता हूँ फिर से। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसमें ग्रेवी थोड़ा सा डाल दिया। बिना ग्रेवी में ये सब्जी तो बॉईल होना मुश्किल है, इसीलिए ग्रेवी थोड़ा डाल दिया। साथ ही साथ अभी इसको उबलने के लिए 2 मिनट रखना पड़ेगा। अभी इसमें ये देखिए मछली का पीस, एक एक पीस में डाल रहा हूँ। ये देखिए मछली का पूछ, इसको हम लोग बंगाली में लेच कहते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, क्योंकि सर्दी का मौसम में हर एक सब्जी में थोड़ा धनिया देने से इसका स्वाद अलग होता है। कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता, ये रेडी है। अभी सिर्फ खाना खाने की बाकी है। सो ये मछली विथ ग्रीन वेजिटेबल्स विथ पोटैटो रेसिपी, ये कैसा लगा जरूर देखिएगा। आई होप कि ये खाने में टेस्टी हो। बाय बाय।